नमस्कार सुपर प्राइम टाइम में आपनु स्वागत छे। हूँ छु अक्षय। सरकारी कर्मचारियों माटे सौथी मोटा समाचार सामे आवी रहा छे। केंद्र सरकारे पेंशन माटे यूनिफाइड पेंशन स्कीम नी जाहेरात करी छे। जूनी पेंशन स्कीम नी मांग करी रहेला कर्मचारियों माटे आ समाचार छे। पहली एप्रिल 2025 थी लागू थशे नवी पेंशन स्कीम। नवी स्कीम थी 23 लाख सरकारी कर्मचारियों ने लाभ थशे। यूपीएस मुजब कर्मचारियों ने निश्चित पेंशन मळशे। कर्मचारी ओपीएस अने एनपीएस माथी कोई एकनी पसंदगी करी शकशे। यूपीएस मा बेसिक ना 50% पेंशन मळवा पात्र छे। कर्मचारी पेंशन फंड मा सरकारनुं योगदान 14% हशे। 25 वर्ष सुधी काम करनार कर्मचारी ने पूरु पेंशन मळशे। 10 वर्ष नौकरी करनार ने 10,000 रुपया पेंशन मळशे। यूपीएस ना लाभ माटे 25 वर्षनी नौकरी जरूरी छे तेवुं अश्विनी वैष्णवे जणाव्युं। पेंशन धारक ना मृत्यु बाद तेना परिवारजनोने 60% पेंशन मळशे तेवुं पण जणाव्युं। श्योर पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एन्युएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग एज रहे क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 ईयर्स। यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रोरेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा स्पाउस के लिए, ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकेंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी अमाउंट था उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। જે નિયમો નક્કી કરાયા છે તે 25 વર્ષ સુધી જે લોકો નોકરી કરશે તેમની માટે અલગ અને 10 થી 25 વર્ષ હશે તેને પણ પ્રોરેટા બેઝ પર પેન્શન આપવામાં આવશે। સર્વિસ દરમિયાન મોત થાય છે તો 60% પરિવારને પેન્શનના ભાગરૂપે મળશે। એટલે 1 એપ્રિલ 2025થી આ પેન્શન સ્કીમ, યુનિફાઈડ પેન્શન સ્કીમ લાગુ કરવામાં આવશે તેવી સત્તાવાર જાહેરાત અશ્વિની વૈષ્ણવ દ્વારા કરવામાં આવી છે।